लेखा परीक्षा दिवस के उपलक्ष में 16 नवंबर को महालेखा परीक्षक कार्यालय की ओर से सप्ताह भर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 14 से 30 नवंबर के बीच लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्शनी, निबंध रंगोली प्रतियोगिता, मैराथन कार्यशाला, स्वच्छता अभियान, ओपन क्विज, पैनल चर्चा आदि का आयोजन होगा। यह जानकारी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान नागपुर की महानिदेशक लता मल्लिकार्जुन ने पत्र परिषद में दी। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को महालेखाकार के कार्यालय में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्शनी का आगाज होगा, जिसमें 81 रिपोर्ट प्रदर्शित की जाएगी। 30 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में सभी के लिए मुफ्त प्रवेश रहेगा। 16 नवंबर को अपराह्न 2:30 बजे से 4 बजे तक निबंध प्रतियोगिता होगी। पत्र परिषद में महालेखाकार 2 प्रवीर कुमार, महालेखाकार 2 आर तिरुपति वेंकट स्वामी, उप महालेखाकार पल्लवी होलकर, उप महालेखाकार नरेश कुमार मन्ने और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी डिंटिस थॉमस उपस्थित थे। ये हम लोग 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक ऑडिट वीक का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, जिसका की इनॉग्रेशन 14 नवंबर को हो रहा है। 14 नवंबर को एक एग्जीबिशन लगाई जा रही है इसी ऑफिस में ग्राउंड फ्लोर पे, जिसमें पुरानी रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, बहुत सारे पोस्टर्स और बाकी तरह के ऑडिट अपने डिपार्टमेंट के बारे में पब्लिसिटी देने के लिए और तरीके की चीज़ें भी वहाँ पे एग्जिबिट की जाएंगी। उसके लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ करके उसका यूज़ कर पाएँ और डिपार्टमेंट के बारे में जान पाएँ। वित्त एवं संचार लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय नागपुर की ओर से 17 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक स्टाफ और उनके परिजनों के लिए महालेखाकार 2 में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 18 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 23 नवंबर को वित्त एवं संचार लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय के कर्मचारी नाटक प्रस्तुत करेंगे। शैक्षणिक संस्थानों में एक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नागपुर स्थित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 21 नवंबर को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। समापन समारोह 30 नवंबर को दोपहर 3 बजे महालेखाकार 2 कार्यालय में होगा। कैमरा पर्सन अमोल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।